स्वागत है आप सभी का आज एक नए ब्लॉग में। मैं हूं अभी थाईलैंड के पटाया में और सुबह का टाइम है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। यहां पर थोड़ा सा आपको मॉर्निंग का व्यू दिखाने के लिए लेके आया हूं, तो चलिए चलते हैं पटाया में के जोमटेन बीच पर। थाईलैंड में तीसरा दिन शुरू हो चुका है मेरा और 7:41 हो रहे हैं और मैं आपको लेके चल रहा हूँ जोमटेन बीच पर। सुबह सुबह का मॉर्निंग का व्यू दिखाता हूँ। हेलो, अभी मैं हूँ सेकंड रोड पर, पटाया सेकंड रोड, और यहाँ से जा रहा हूँ जोमटेन बीच। थोड़ा आगे जाके सोंगथू लेंगे, सोंगथू के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ आपको। जो लोग आ चुके हैं थाईलैंड उनको मालूम है, जो लोग नहीं आए हैं उनको बता देता हूँ कि सोंगथू का जो किराया होता है 10 थाई बाट होता है, मतलब आप 10 थाई बाट में सोंगथू में बैठ सकते हैं और आपको जहाँ तक उसका लास्ट स्टॉप होता है वहाँ तक तो 10 रुपीज़ लगते हैं, 10 थाई बाट लगते हैं। उससे ज़्यादा आपको नहीं देना है, आप उनसे पूछोगे तो 50-100 भी मांग सकते हैं, लेकिन अगर वो उस रूट पे जा रहा है जिधर आपको जाना है तो आपको केवल 10 बाट ही पे करने हैं। ये सामने है बे व्यू पटाया होटल, बे व्यू बहुत शानदार व्यू आ रहा है बाहर से देखने पर। मोटर बाइक रेंट पर मिल जाती हैं, अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है तो आप मोटर बाइक भी रेंट पर ले सकते हैं। नॉर्मली जो मोटर बाइक का पर डे का चार्ज होता है वो 200 थाई बाट होता है। टैक्सी सर्विसेज आपको पटाया में हर जगह मिल जाएंगी, थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस टाइप के काउंटर लगे हुए हैं टैक्सी सर्विसेज के। और ये जो जैसे बैंकॉक का 1400 रुपये है, इस टाइप से आप देख सकते हैं, ये करेंसी का काउंटर है। अगर यहाँ पर बात करें INR, इन्होंने लिखा हुआ नहीं है अभी, INR लिखा हुआ होता तो मैं आपको दिखाया था कितने में चेंज हो रहा है। आप ATM से भी निकाल सकते हैं, ATM से करेंसी निकालने का चार्ज मैं आपको बता देता हूँ 220 थाई बाट आपका मिनिमम चार्ज लगता है डेबिट कार्ड से। आप चार्ज अगर ATM निकाल रहे हैं मतलब आप मैक्सिमम निकालें जिससे कि आपको चार्ज तो उतना ही लगना है। अगर आप 1000 थाई बाट भी निकालोगे तो भी आपका 220 थाई बाट चार्ज लगेगा, और अगर आप 10,000 थाई बाट निकालोगे तो भी आपका 220 थाई बाट ही चार्ज लगेगा। इसके अलावा आपका करीब 4-5% चार्जेज बैंक काटेगी, आपकी जो बैंक है वो आपका चार्ज करेगा, तो इतना चार्ज आपका लगेगा अगर आप ATM से पैसे निकाल रहे हैं। पटाया जाना जाता है यहाँ की नाइट लाइफ के लिए, दिन में तो यहाँ पर सूना हो जाता है। ये सामने सोंगथू खड़ी हुई है, 10 थाई बाट चार्ज है, आप इसमें बैठें और कहीं भी जाएं जहाँ तक इसका लास्ट स्टॉपेज है केवल 10 थाई बाट में। ये आप सामने देख रहे हैं बिलीव इट और नॉट, ये जो एरोप्लेन लगा हुआ है सामने दीवार में, अंदर घुसा हुआ है एरोप्लेन, तो यहाँ पर आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। बिलीव इट और नॉट के नाम से है ये आउटलेट। ये वाले सोंगथू खड़े हुए हैं जो कि जोमटेन बीच की तरफ जाते हैं, 532 नंबर है, और देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, कैसे पहचान होगी यानी कि 532। ये 656 139, ऐसे अलग अलग हैं जिनमें आप जा सकते हैं। तो इसमें बैठेंगे, ये जो ट्रेन जा रही है इस टाइप का होता है सिस्टम, और ये अगर आपको रुकवानी हो तो ये वाला जो बटन है इस बटन को दबाएंगे आप, तो आप इसको दबा के रोक सकते हैं। सो अभी हम पहुंच गए हैं जोमटेन बीच के पास में, ये है जोमटेन प्लाजा कोंडो डेल, मतलब ये कोंडो होते हैं एक तरीके से, अपने वहाँ फ्लैट बोलते हैं और इनको कोंडो बोलते हैं। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ना ऊपर तक, तो ऐसा कुछ है कोंडो का कॉन्सेप्ट और वही फ्लैट वाला सिस्टम है पूरा। सामने जोमटेन बीच नज़र आ रहा है आपको, अभी आपको लेके चलता हूँ आगे बीच पर। तो ये कोंडो है, फ्लैट टाइप से होता है, देखें कितना सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ पर भी, और ये साफ़ सफाई का तो विशेष ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल बीच फ्रंट कोंडो है ये, इधर से सामने जोमटेन बीच है ये। तो ये आप देख रहे हैं जोमटेन बीच, जोमटेन पटाया बीच। चलो थोड़ा आगे जाते हैं और कुछ आगे का व्यू भी आपको दिखाते हैं। तो जो पटाया का जो बीच रोड है वहाँ पर, जो बीच है वहाँ पर थोड़ा पानी साफ़ नहीं है, गंदगी है, क्राउड है, और जोमटेन बीच पर आप आ रहे हैं फैमिली के साथ में आप आ रहे हैं, तो जोमटेन बीच पर आप आके
अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस बीच पर शांति मिलेगी आपको, थोड़ा इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है। और वहाँ पर तो क्योंकि पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी बोट्स वगैरह खड़ी रहती हैं, स्पीड बोट्स वगैरह, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपको दूर दूर तक देखेंगे तो इक्के दुक्के लोग नज़र आ रहे हैं, और उसके अलावा पानी बिल्कुल साफ़ है और शांत वातावरण है बिल्कुल। आप यहाँ पर चिल कर सकते हैं बढ़िया। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं बीच के पास में, सनबेड वगैरह का यूज़ कर सकते हैं आप, और नारियल पानी लें, बियर वगैरह, ड्रिंक वगैरह कुछ भी लेनी है जो लें आप, आराम से एंजॉय करें यहाँ पर। थोड़ा सा आपको बीच पर लेके चलते हैं और फिर वापस चलेंगे होटल। रेस्टोरेंट का टाइम है 6 से 10 बजे तक का, और करीब 8:40 हो चुके हैं, आधा घंटा वहाँ पर पहुँचने में भी लगेगा। सामने का व्यू देखें आप, कितने सुंदर पेड़ लगा रखे हैं और बिल्कुल सफाई है बीच पर। तो ये था जोमटियन बीच, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक हो रही है लोगों की, और यहाँ पर वही कल की तरह ये चीज़ें निकलती हैं, लोग इनको खाते हैं, क्या करते हैं, इस टाइप की चीज़ें हैं जो मैंने आपको कल के ब्लॉग में भी दिखाई थी, यहाँ पर ऐसी कुछ हैं। ये पार्किंग एरिया है जोमटियन बीच का, एक तरफ है डोंगटान बीच और एक तरफ है जोमटियन बीच। तो इधर डोंगटान बीच है, ये जो सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, इस बिल्डिंग के इधर डोंगटान बीच है, और इस बिल्डिंग के दूसरी वाली साइड में जोमटियन बीच है। तो ये लोग सुबह सुबह अपना वही योगा करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर आपको कुछ एक्सरसाइज के लिए भी ये इक्विपमेंट मिलेंगे, एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, गवर्नमेंट द्वारा लगाए हुए हैं यहाँ पर इस टाइप से। वही सॉन्ग थ्यू लेते हैं, आ रही है सामने से, और उसमें बैठेंगे और चलेंगे वापस से होटल। सुबह का मॉर्निंग का व्यू है जोमटियन बीच के पास के एरिए का, और यहाँ से आप ये जो बस खड़ी हुई है इसके पास में ही है पटाया का बस स्टैंड। यहाँ से ये जोमटियन बीच के पास वाला बस स्टैंड है, यहाँ से आपको बैंकॉक स्वर्णभूमि एयरपोर्ट के लिए बस मिल जाएंगी। इस जगह पर आपको आना पड़ेगा, आप ये बिल्डिंग देख लें, इस बिल्डिंग के पास में है। अगर आपको आना है यहाँ पर बैंकॉक स्वर्णभूमि एयरपोर्ट जाना है तो आपको बस यहाँ से मिलेगी। गए मुंबई से रेस्टोरेंट पर, यहाँ पर खाना खाते हैं सभी लोग चल के अंदर, बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं सभी लोग यहाँ पर। आज हमारे एक गेस्ट का बर्थडे है। रेस्टोरेंट एंड बार काफी बड़ा है और काफी बढ़िया सिटिंग अरेंजमेंट है। तो गाइज ये है मुंबई से रेस्टोरेंट, और यहाँ की खासियत है कि ये पूरी एक सरदार फैमिली है, अपने पंजाबी सरदार जो हैं, पूरी फैमिली ही यहाँ पे अपना ये ऑफिस, ये पूरा रेस्टोरेंट संभाल रही है। सो साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है पीछे म्यूजिक का। अभी हमें मुंबई से रेस्टोरेंट में, और ये थाली है यहाँ पर जो बुफे लगवाया है हमने, सलाद है, जलेबी है, चावल, 3 सब्जियां हैं, रायता है, सूप है, तो ये काफ़ी कुछ है, नान है। भाई एक बड़ा ग्रुप और आता हुआ यहाँ पर इंडियंस का। वीडियो बना रहे हो, फोटो बना रहे हो? वीडियो वीडियो
बुद्ध के साथ।